हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसे बात किया था 22,500 टच करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, निफ्टी ने उसको बिल्कुल ही टच किया बेस्ड ऑन द डेटा। तो आप डेटा के ऊपर मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो परफेक्ट आप लेवल तक पहुँच सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या रहने वाला है मार्केट में, डेटा को कैसे आपको देखना है, बिग्स प्लेयर क्या पोजिशन वहाँ पर बना के गए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पर सब कुछ एक बार चेक किया जाएगा। जस्ट मैं अपना पेन यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ शुरू करते हैं। अभी तो निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ 22,326 के ऊपर दिया, यानी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। एवरेज 22,378 का फ्यूचर का एवरेज है। अब उस दिन क्या था, एक्सपायरी था, तो मैक्सिमम लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पे क्लोज किया गया फ्यूचर्स में भी। लेकिन इसका भी एक अलग इंटरप्रिटेशन है। अगर आप देखें तो रिटेल ट्रेडर ने लॉन्ग बहुत ज़्यादा क्लोज कर लिया, यानी 58,000 कॉन्टैक्ट्स। शॉर्ट भी उन्होंने क्लोज किया 19,000 कॉन्टैक्ट्स। तो ओवरऑल नेट टू नेट इनके पास 46,000 लॉन्ग अब बचा है। यानी ये पोजीशन अगर अपना लोग क्लोज कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, ऑल टाइम हाई पे आ गया। डीआई थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग अपनी बुक कर लिया है जो भी इसके पास पोजिशन था, तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, स्लाइटली शॉर्ट में आ गया। एफआईआई के पास जो 90,000 शॉर्ट था वो पूरी की पूरी लगभग आप देखें क्लोज कर दिया मैक्सिमम, यानी आपको 40,000 उसमें से क्लोज कर दिया 40,000। और फ्रेश 27,000 लॉन्ग किया, यानी वो अब यहाँ से बुलिश हो रहा है धीरे धीरे। एफआईआई उसने शॉर्ट क्लोज की, लॉन्ग इनिशिएट किया, ये एक बुलिश साइन है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग क्लोज कर रहे हैं, ये एक बेरिश साइन है। और प्रो थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पे बुकिंग कर रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग है। ये मंडे को एक और फ्रेश इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में क्या पोजीशन बन रहा है। लेकिन अभी का अगर डेटा देखें तो स्लाइटली बुलिश डेटा इंडिकेशन कर रहा है फ्यूचर का। अब स्टॉक्स फ्यूचर में 38% यहाँ पे आ गई, जबकि इनकी 50% लॉन्ग था। तो ये अपनी लॉन्ग प्रॉफिट जो है वो बुक कर रहे हैं। डीआई 56%, एफआईआई देखिए यहाँ पे 11%, यानी एफआईआई ने क्या कि पोजिशन बढ़ा लिया है, ज़्यादा ही पोजिशन उसने बढ़ा लिया। मैक्सिमम पहले 3% था, तो यहाँ पे भी वो स्टॉक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रहा है। अब यहाँ आपको स्टॉक्स फ्यूचर के साथ इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में मैक्सिमम पोजीशन क्लोज हुआ है, तो आज इंटरप्रिटेशन देखें कितना लॉन्ग है, 56% लॉन्ग, 50% शॉर्ट, यानी दोनों साइड कॉल में इक्वल है पोजिशन। 23,000 सी इनकी शॉर्ट है, तो यहाँ ये न्यूट्रल पोजिशन है। पुट साइड 1,70,000 इनके पास जो है वो पुट की शॉर्ट है। स्लाइटली ये क्या है, यहाँ पे बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं हमारे कौन सा, रिटेल ट्रेडर। अब डीआई यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता है। एफआईआई क्या कर रहा है कि 14.2% से यहाँ पे 15.2% लॉन्ग, 14.3% शॉर्ट किया है। तो नेट टू नेट कहें 37,000 कॉन्टैक्ट्स इसके पास जो है वो कॉल की बाइंग पड़ी है, यहाँ पे कॉल बाई किया हुआ है, जबकि पुट साइड 93,000 है। तो ये पोजीशन अपना हेज करके रखा है दोनों साइड में, बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं कैरी कर रहा, हैज पोजीशन है। अब यहाँ पे एक दूसरा बड़ा प्लेयर आता है प्रो। प्रो ने क्या किया, 28.7% लॉन्ग, 29% शॉर्ट, यानी यहाँ कॉल साइड वो इक्वल पोजीशन कैरी कर रहा है, ओनली 13,000 इसकी पोजीशन है, और पुट साइड भी 32,000 पोजीशन। प्रो यहाँ पे दोनों साइड न्यूट्रल में बैठा हुआ है। मंडे का जो डेटा होगा वो आपको फ्रेश पोजीशन बनाया जाएगा, फ्रेश बताया जाएगा कहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अभी यहाँ पे डेटा न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहा है ऑप्शंस का, तो हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में रखा है, या फिर लाइव डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप अगर स्टॉक्स ऑप्शंस का भी डेटा यहाँ पर देख सकते हैं इंटरप्रिटेशन। अब चलिए, हमने बात किया था कि मेन जो इंडाइसेस है उसमें से क्या निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस, कल की बड़ी हमने बात किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे निफ्टी यहाँ पे बुलिश, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, और हमारा फिन निफ्टी भी बुलिश है, ओनली मिड कैप निफ्टी स्लाइटली बेरिश है। चारों इंडाइसेस इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने डिटेल में कल की वीडियो में बात किया था, आप देख सकते हैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, न्यूट्रल पॉइंट क्या है। हमारा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट भी ऊपर है 22,300 दोनों, और ग्रेविटी भी ऊपर है, तो ऊपर रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर आप इसके प्राइस एक्शन पे बात करते हैं, तो प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट है 22,233 का, 22,233 ये इमीडिएट सपोर्ट है। ऊपर से यहाँ से निकलेगा तो इसका रेजिस्टेंस 22,500 का आएगा। अब एक्सटेंशन उसका 22,600 और डाउन साइड का एक्सटेंशन 22,100 का आएगा। ये हमने कल और डिटेल में बात किया था।
अब यहाँ बैंक निफ्टी भी अपने एक्सटेंशन के पास 47,400 के पास से नीचे, जहाँ पे सपोर्ट था 47,000 वहाँ पे आप गए, फिर सपोर्ट ले रहा है। अभी इमीडिएट सपोर्ट 47,050 का है, अगर ये नीचे एक्सटेंड होगा तो 46,800 आ जाएगा, और ऊपर साइड में इसका भी रेजिस्टेंस 47,260, एक्सटेंड होगा तो 47,500 का लेवल। तो यहाँ तक आपको 47,300 के लेवल तक एक बार टच करना चाहिए। मंडे लाइव का डेटा मैं अपडेट आपको करता रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। फिर निफ्टी क्या, अगर इमीडिएट सपोर्ट देखें 20,900 का सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट 21,050 का है, और वो अगर ब्रेक करता है तो फिर 21,160 का लेवल ऊपर में आएगा। ये हमारा रहा आपको फिन निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी आप 2 दिन से चला नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको 10,600 और 10,680 का अपर साइड का लेवल यहाँ दिखाई दे रहा मुझे। मिड कैप निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है मंडे को, कैसे होगा ये आपको मैं मंडे को जरूर बताऊंगा। इवन 10,900 के लेवल को टच कर सकता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं, लाइव में कहाँ पोजीशन बन रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और अपने हम ये क्लासेस में ही बात करते हैं, तो आप इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का ऑप्शन क्लिक ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वैसे जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होगी। मिलते हैं कल स्टॉक्स के लिए, कौन से आपको स्टॉक्स में एनालिसिस चाहिए इस कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए।